बाली पाली 2019 के आम लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ ने आज बाली में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां बाली विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। पाली लोकसभा उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ ने सभी को संबोधित कर अब की बार वापस कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने में कार्यकर्ताओं को एकजुट व आपसी मनमुटाव को भूलकर पार्टी को विजयी बना केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर पूर्व बाली विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी रतन जंगा, लुणा व सरपंच मोहन लाल चौधरी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता व सक मौजूद रहे। कितने सच्चे और कितने बड़े महामंत्रा बाली पाली में रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये पाली की जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने बद्री राम से जाने का देखा है, जब बीजेपी ने दखल लिया और भारत की 24 घंटे पाली की जनता की सेवा में लगे हैं और वो अभी प्रत्याशी जो है पीड़ित चाहती है बात की 2 करोड़ 42 लाख पानी